Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing good. आज हम ये मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट रोल अप्स बनाएंगे जिसके अंदर हमने न्यूटेला की फिलिंग डाली है. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर रेसिपी. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज कि सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस लेके और उसके साइड्स जो हैं वो हम काट लेंगे. इनको ज़ाया ना करें, इनको अपने घर में ड्राई करके इनके क्रम्स बना लें. मेरे घर में तो कैट्स हैं, वो भी बहुत शौक से ये खाती हैं क्रम्स. द नेक्स्ट थिंग टू डू इज कि ये जो टोस्ट हैं इनको एक रोलिंग पिन से ज़रा सा फ्लैट कर लीजिए. ये इस तरीके से थोड़ा थिन हो जाएगा. सारे टोस्ट पहले हम इस तरह फ्लैट करके रख लेते हैं. हमने न्यूटेला इसके अंदर स्प्रेड करना है टोस्ट के ऊपर, पूरा टोस्ट कवर हो. लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि फिर वो इसमें से ऊज आउट करके जब हम फ्राई करेंगे ना तो निकल जाएगा. इस तरह से पूरे पे स्प्रेड करके और सिंपली हमने इसको रोल कर देना है. दैट्स इट. मैंने एक अंडा ले लिया है और क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 टोस्ट हम बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एग लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, वरना मिक्सचर में एग ज़्यादा होता है तो एक तो वो स्मेल करते हैं एग सी और मोटा मोटी सी कोटिंग हो जाती है. तो इसलिए अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ एक एग लेंगे, हाफ कप इसमें हम दूध ले लेंगे, 1 teaspoon वनीला एक्सट्रैक्ट. आमतौर से अगर हम जो रेगुलर फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं उसमें इस बैटर के अंदर शुगर भी डालते हैं, लेकिन हमारा जो आज हम बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी न्यूटेला की स्टफिंग है जो कि ऑलरेडी मीठा होता है. तो आप चाहें तो इसके अंदर शुगर स्किप भी कर सकते हैं, और अगर स्किप नहीं करना चाहते तो थोड़ी सी अ कपल ऑफ पिंचेस ऑफ फाइन शुगर, कैस्टर शुगर जो है वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा शुगर ना मिक्स करें. फाइनली अ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, ये भी ऑप्शनल है. अगर आपको पसंद नहीं है सिनेमन तो आप मत इसमें डालें. हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. पैन गरम कर लें और इन फ्रेंच टोस्ट को हम बटर में फ्राई करेंगे. सो टेक सम बटर, इसको मेल्ट होने दीजिए. फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें. जैसे ये बटर मेल्ट होना शुरू हो तो ये हमने जो बैटर बनाया है के अंदर ये रोल जो हैं इन्हें हम डिप करेंगे. यू विल पुट इट इन आवर बटर. तो हम फ्राई करेंगे, एक साइड हो जाए तो आप इसकी फ्राई टर्न कर दीजिए. बहुत क्राउड ना करें, बैच बाय बैच इसको फ्राई करना. अच्छा सा कलर आ गया है, इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के जो रोल्स हैं वो भी इसी तरीके से फ्राई कर लें. हमारे रोल्स अच्छे से फ्राई हो गए, कितना अच्छा इस पे कलर आया है. इसको प्लेट करने से पहले इसी किसी प्लेट में लेके आप और इसको थोड़ा सा हम इसकी प्रेजेंटेशन कर ले के लिए इसको रेडी कर लेते हैं. इसके ऊपर थोड़ी सी कैस्टर शुगर जो है वो स्प्रिंकल कर लेते हैं. इसलिए मैंने इसको पहले किसी और प्लेट में किया है ताकि जो भी चीज़ें बिखरनी हैं वो इधर ही हो जाए, फिर हम क्लीन अप करके इसको प्लेट आउट करते हैं. एक अच्छा सा प्लेटर ले लें और उसके ऊपर अपने हमने प्लेट कर लीजिए अच्छे से, जैसे भी आपको अच्छा लगे. उसके ऊपर हमने थोड़ी सी जो शुगर स्प्रिंकल की थी उसकी वजह से ज़रा एक फैंसी लुक आ जाएगा. स्टैक करके रखना है, स्टैक करके रख दें वरना जैसे आपका दिल करे. उसके बाद एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी
चॉकलेट सॉस लेके हम इसको थोड़ा सा आप किसी और तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहें, कोई फ्रूट साथ में रख दें, मेपल सॉस डाल दीजिए, हनी इसके ऊपर ड्रिजल कर दें। लेकिन चूंकि इसमें अंदर नीचे हमने स्टफिंग जो है न्यूटेला की थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये चॉकलेट सॉस जो है वो थोड़ा सा ड्रिजल कर दिया। हमारे फ्रेंच टोस्ट रोल अप्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। किस कदर ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, इतने आसानी से ये बन गए हैं और बिल्कुल लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में जिस तरह आप जाते हैं और सर्व होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।